मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब आप PhD के कैंडिडेट हैं कहीं पे जॉब के लिए, तो वो तकाजा ये करते हैं कि आपने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स कितने शाया करवाए हैं, आपने कितनी जगह पे आपकी रिसर्च को रिकग्नाइज किया गया है। आप भले PhD की डिग्री आपके पास हो, लेकिन अगर आपकी रिसर्च बाहर पब्लिश नहीं हुई हुई अच्छे, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। वो एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की बात है जी, हम अंडरग्रेजुएट की बात करते हैं, उससे भी लोअर लेवल की बात करते हैं। आपके अंदर जो काबिलियत आपने डेवलप की है वो होनी चाहिए। मैं शाह साहब आपको बताऊं कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा जो फाइनल एग्जाम था उसमें उन्होंने कहा कि आप बेशक किताबें खोल लो, जो मर्जी कर लो, और हकीकत यह है कि जो सवाल जब उन्होंने दिया तो उसमें किताबें विताबें खोलना बिल्कुल बेकार हो गया। उसकी वजह उन्होंने कहा कि एक मैं ऐसी मिसाल देता हूँ, कम्युनिकेशन से चूँकि जो बच्चे हों तो उनके इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ हो सकती है, कि उन्होंने एक आर्टिकल हमें दिया पढ़ने के लिए, वो उन्होंने कहा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल को पिकासो के ब्लू पीरियड के ऊपर इसको अप्लाई करके और फिर इसको लिखें। अब जिसने पिकासो का ब्लू पीरियड नहीं पढ़ा होगा वो ज़ाहिर है वो उसका जवाब नहीं दे सकता। तो बड़ी वेल रिसर्च एनालिसिस बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो होता है, मतलब जो जिसकी कमी यहाँ पे महसूस होती है। नहीं, इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान का मुताला वसी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एक चीज़ है, मुताला बड़ा ब्रॉड बेस होना चाहिए। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे क्लास को, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास थी, उन्होंने शेक्सपियर पढ़ाया। जब वो कई हफ्तों की मेहनत के बाद शेक्सपियर पढ़ाना मुकम्मल कर चुके, तो उन्होंने क्लास से पूछा कि आप में से कौन कौन है जो शेक्सपियर को समझ पाया, तो पूरी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए मां सिवाय एक लड़के के। तो प्रोफेसर चूंकि वो ऑक्सफोर्ड के थे तो उन्हें बजाय गुस्सा आने के ये फिक्र हुई कि मैंने कहाँ गलती की, मेरे अंदर कमी कहाँ थी जो ये स्टूडेंट नहीं समझ पाया। तो उन्होंने उस परेशानी से उस स्टूडेंट को पूछा कि कहाँ लैग कर गया मैं जो तुम्हें समझा नहीं पाया, तो तुम क्यों नहीं समझ पाए शेक्सपियर को। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि सर, शेक्सपियर को समझने के लिए शेक्सपियर से बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं वो नहीं हूँ। तो जब हम मताले के इस लेवल पर चले जाते हैं, अभी इंटरव्यू में अक्सर औकात ये हो जाता है कि एक आदमी इंटरव्यू के लिए आया है, जो नीचे बोर्ड है उसने शॉर्टलिस्ट करके भेज दिया, तो उससे अक्सर यही कहा जाता है कि आप तशरीफ रखिए और जिस पोजीशन के लिए आप आए हैं मेरे पास, इस पोजीशन पर मैं क्या आपका इंटरव्यू लूँगा, ये कह के उसके नर्व्स को रिलैक्स कर दिया। तो उससे कतई तौर पर जॉब से मुताल्लिक कोई बात नहीं होती। तो आदमी उससे यही पूछता है कि आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप, तो आपके राइटर्स कौन कौन से आपके फेवरेट हैं, फिल्में कौन सी देखते हैं आप, और नज़र उस पर रहती है कि चाय जो पी रहा है ये किस तरह चाय पी रहा है, इसी तरह उसके घरेलू हालात, उसको मौका देते हैं कि वो बोलता रहे। वो इस आधे घंटे की सिटिंग में उसका जहन पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है, फिल्में कैसी वो पसंद करता है ये बता देगा कि उसका मजाज क्या है।
किन राइटर्स को पढ़ता है, ये उसके लेवल को जाहिर कर देगी बात। इसी तरह जब वो बात बता रहा है अपनी फैमिली की, अपने बारे में, तो वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो अल्फाज उसकी असल जाहिर करना शुरू कर देंगे। ये जब जॉब के लिए हम जाते हैं तो वहाँ इन तमाम स्टेजेस से हम गुजर रहे होते हैं, फिर जॉब पर रखा जाता है या इनकार किया जाता है। तो हम जो मैं शुरू में अर्ज़ कर रहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे यहाँ कमी सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ ना तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ना पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, ना कैरेक्टर बिल्डिंग है। इस पर ज़ोर होना चाहिए और मुताले पर ज़ोर नहीं है हमारा। एक ज़माना था, आज का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज से 40-45 साल पहले अमेरिका से आप एमबीए कर नहीं सकते थे तब वक्त के आप 6 से 8 घंटे लाइब्रेरी में न गुजारें। उसकी वजह यह है कि टेक्स्ट बुक तो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन मालूमात जो आपने इकट्ठी करनी है, अपनी नज़र में वसत पैदा करनी है, वो उसी वक्त होगी जब आप लाइब्रेरी में बैठकर मुख्तलिफ मौजूआत पर आए हुए मैगज़ीन पढ़ेंगे, पेपर्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, तो ही जाकर आप लिख पाएंगे। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये सिलसिला इंट्रोड्यूस होना चाहिए यहाँ।